और राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। आपको बता दें, लखनऊ, कानपुर समेत 7 जिलों की ओपीडी सेवाएं जो है वो बंद है। प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा में भी ओपीडी बंद है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ये फैसला लिया गया है। जरूरी सर्जरी को छोड़कर शेष ऑपरेशन जो है वो टालने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा ने ये आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वहां के अस्पतालों में ओपीडी सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। बात की जाए लखनऊ, कानपुर समेत 7 ऐसे जिले हैं जहां पर ओपीडी सेवाएं बंद है, और साथ ही साथ प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा में भी ओपीडी बंद है। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, और अस्पताल की तरफ से ये निर्देश है कि जरूरी सर्जरी को छोड़कर जो शेष ऑपरेशन है, बचे हुए ऑपरेशन जो है उन्हें टाल दिए जाएंगे। और विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा ने ये आदेश जारी किए हैं। वहीं बाराबंकी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है। आपको बता दें कि एक साथ 312 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और अब तक जिले में कुल 9236 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, और जिले में 1088 एक्टिव मरीज हैं। तो सभी जिलों में कोरोना का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और अगर बाराबंकी की बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है, और एक साथ 312 लोगों की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। और इसी के साथ अब पूरे ही जिले में 9236 कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है, और अब जिले में एक्टिव मरीज जो है वो 1088 है।